हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। बात करेंगे, यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको रखना पड़ेगा ये ध्यान। जी हाँ दोस्तों, 7 प्रदेशों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं और आगे बात करेंगे कई बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं पूरे भारत में कोरोना संक्रमित आंकड़ों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो संख्या है पिछले 24 घंटों में पाए गए कोरोना पॉजिटिव की, वो 32,607 है। इसी के साथ जो टोटल कंफर्म केस हैं वो 970,169 हो चुके हैं। 331,116 एक्टिव केस हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। और पिछले 24 घंटों में 20,646 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसी के साथ जो टोटल ठीक हुए मरीजों की संख्या है वो 613,735 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 614 लोगों की डेथ हुई है। इसी के साथ 24,929 लोगों की डेथ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करेंगे और कई बड़ी खबरों के बारे में। बात करते हैं, अगर आप कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, अब महामारी से जूझ रहे लोगों का टेस्ट का खर्चा खुद उठाना होगा। BRD मेडिकल कॉलेज में चीनी बीमारी जांच के लिए लोगों को 1500 रुपये फीस लगेगी। अब तक यह जांच फ्री में हो रही थी, शासन ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज में टेस्ट फ्री में नहीं हो सकेगी, इस जांच के लिए लोगों को अब जेब खाली करनी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों ने बताया सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे वालों की जाँच फ्री में होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं, अगर किसी को हो गई है कोरोना वायरस की बीमारी तो तुरंत करें ये दो उपाय, बच जाएगी उसकी जान। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं इसी पर। तो महामारी से बचने के लिहाज से स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बुनियादी स्वच्छता दिशा निर्देशों के पालन के साथ ही आपको अपने आहार में कुछ ऐसी चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए जिनकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी गिलोय चीनी वायरस से बचने के लिए बहुत ही बढ़िया है। गिलोय, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर और तुलसी के पत्तों को पानी में अच्छी तरह उबालकर गाढ़ा रस बना लें, फिर इसका सेवन करें। चीनी बीमारी से बचने के लिए काढ़ा बनाकर पीना एक अच्छा तरीका साबित हो रहा है और कई लोग सिर्फ इस काढ़े को पीकर ही ठीक हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आगे बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं, रक्षाबंधन पर होने जा रहा है ये काम। लॉकडाउन को लेकर सामने आई यह बड़ी बात, इससे 4,000 करोड़ का हुआ नुकसान। चीन को 4,000 करोड़ का नुकसान होगा इससे। आगे बात करते हैं इसी में, स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, क्या देश में रक्षाबंधन पर फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती की जाने की ज़रूरत है, लेकिन रक्षाबंधन पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन चीन में बनी राखी पर रोक लगाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चीन में बनने वाली राखियों पर रोक लगाई जाएगी, जिससे पूरे देश को 4,000 करोड़ का फायदा होगा और चीन को 4,000 करोड़ का नुकसान होगा। यदि आपको ये खबर अच्छी लगी तो यस लिखें, बेकार लगी तो नो लिखें। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं, देश के 7 राज्यों में भारी बारिश के आसार पिछले 24 घंटों में। बंगाल, सिक्किम, बिहार और देश के अन्य राज्यों जैसे असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, MP, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी तटीय भागों में, अंडमान निकोबार में भारी बारिश की आशंका है और मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो आगे बात करते हैं, पेट्रोल पंप वाले ने बोतल में नहीं किया पेट्रोल तो गुस्से में शख्स ने किया ये उल्टा काम। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं, अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको हो सकता है ये बड़ा नुकसान। अगर आप भी व्हाट्सएप यूजर हैं या यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अलर्ट आया है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह अलर्ट वाफिटेन फो ने जारी किया है जो व्हाट्सएप की अपडेट देता रहता है। इसमें कहा गया है कि यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से किसी भी रूप में व्हाट्सएप के मॉडिफाइड या फर्जी ऐप्स का उपयोग सही नहीं है। ऐसा करने से यूजर का डेटा खतरे में पड़ सकता है।
तो महाराष्ट्र के एक बहुत ही डरा देने वाली घटना हुई है। यहाँ पेट्रोल पंप के दफ्तर में एक शख्स को बोतल में पेट्रोल नहीं दिया गया तो उसने दफ्तर में आकर 3 सांप छोड़ दिए, जिससे ऑफिस में हड़कंप मच गया। आगे बात करते हैं सलमान खान से होगी सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ तैयारी के बाद बंद की गई थी फिल्म। आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बैन के बाद भी इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है टिकटॉक, इनसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है। टिकटॉक को अब भी कुछ लोग एक खास लिंक के माध्यम से ब्राउजर से डाउनलोड कर रहे हैं। ये लिंक कुछ चुने हुए स्मार्टफोनों पर भेजा जा रहा है, इसलिए आपको अगर ये लिंक आता है तो आप टिकटॉक ऐप को डाउनलोड ना करें, ये सही नहीं है। सलमान खान से सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूछताछ होगी तैयारी के बाद बंद की थी फिल्म। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन एक विवाद के बाद उन्होंने फिल्म को अचानक से बंद कर दिया। दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस